जब एक यतीम रोता है तो अल्लाह क्या कहते हैं, कुरान की रोशनी में जानते हैं। इस सिलसिले में एक वीडियो देख लेते हैं, आइए वीडियो देखते हैं। जब एक यतीम रोने लगता है ना, हदीस के जुमले हैं, आपकी खिदमत में अर्ज कर रही हूँ। जब एक यतीम रोने लगता है तो अल्लाह जिब्राइल से कहता है, किसने रुलाया इसे, इसको किसने रुला? इसकी आंखों में आंसू किसके जरिए से आए? तो जिब्राइल बताते हैं कि फला इंसान ने इस तरह से इसके साथ किया है तो वो रो रहा है। तो खुदा जिब्राइल से कहता है, मुझे मेरी इज्जत और जलालत की कसम है, जो इस वक्त इसके आंसू पोंछ देगा और इसके लबों पे मुस्कुराहट लेकर आएगा, मैं उसे दुनिया और आखिरत दोनों अता करूंगा। मैं उसे दुनिया में कभी किसी का मोहताज, और जो इस वक्त इसको खुश करेगा, इस बच्चे को, इस यतीम को खुश करेगा, मैं कयामत के दिन उसे खुश कर दूंगा, वो खुश हो जाएगा। ये अज्र है। और एक रवायत में मिलता है कि जब यतीम के आंसू निकलते हैं तो वो आंसू अल्लाह के हाथ पे गिरते हैं। खुदा रहा, खुदा रहा। ये इतना सख्त है यतीम का मामला, हमको बहुत अवेयर होना चाहिए यतीम के मामले में। तो आपने देखा वीडियो, इस वीडियो से है बहुत कुछ पता चला हदीस की रोशनी में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।